में सेवाभावी हैं, जिन्होंने ऐसे बच्चों के साथ काम किया है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिनके खुद के माता पिता उन बच्चों को लेकर जिंदगी भर निराश रहते हैं, ऐसे बच्चों को गेम्स के माध्यम से मॉडल दिलाना, मॉडल्स लेके मेडल्स लेके आना और एक ऊंचाई का रास्ता दिखाना और देश का भी नाम ऊंचा करना, ऐसे करने वाली मल्लिका जी हैं। मैं चाहती हूँ वो हम सबको अपने आशीर्वचन अवश्य दें। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और हमारे जो विक्रमी संवत नववर्ष की सबको शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि ये नया वर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो और हमारे देश के लिए जो एक सबसे बड़ी यज्ञशाला और एक जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का यज्ञ है जो इलेक्शंस है, इसमें भी ईश्वर आशीर्वाद दे, आप सबका आशीर्वाद हो और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का मार्गदर्शन आगामी 10 वर्षों तक करते चले, ऐसे ही हम सबको विश्वास है कि जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है उसमें और गति प्रदान हो और हमारे देश जिस स्थान पे आज पहुंचा है विश्व में उससे आगे बढ़ के विश्व गुरु का स्थान हासिल करे, ऐसी सबकी इच्छा है। हमारे बीच में अभी आपने ओजस्वी तेजस्वी वक्ता बांसुरी जी को सुना, तो इनको इनके जो मुस्कुराहट के बारे में कहा गया, इनके वक्तव्य बारे में के बारे में कहा गया, तो हम सब इसके प्रत्यक्ष दर्शक ही है कि इस तरह के नेतृत्व हम सबको प्रदान होगा महिलाओं में, तो निश्चित रूप से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा ही। लेकिन दिल्ली जैसे प्रदेश में महिलाओं के नेतृत्व के माध्यम से हम परिवर्तन ला सकेंगे, ऐसी भी उम्मीद हम करते हैं कि परिवर्तन की जो कड़ी है उसकी शुरुआत बांसुरी जी के माध्यम से दिल्ली प्रदेश में होगा, ऐसे हमें आशा है। क्योंकि सुषमा जी ने भी एक समय नेतृत्व प्रदान किया था, आगे चल के वही नेतृत्व हमें मिलेगा, ऐसे हम सबको बड़ी आशा और उम्मीद है। योगिता जी जो परी के माध्यम से एक बहुत ही उत्तम कार्य कर रही है, परी शब्द इतना एक कोमल शब्द है लेकिन इसके पीछे जो कार्य है वो बहुत कठिन कार्य है और बहुत ही दिल को छूने वाला विषय है कि हमारी इन परियों को हम कैसे सुरक्षित रखें और इनके लिए कार्य करने की आज बहुत आवश्यकता है। और जिस तरह के हालात और जिस तरह की घटनाएं समाज में घटती है उससे हमें हमारी बच्चियों को हम कैसे बचा सकते हैं, उनको कैसे हम काउंसलिंग कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको दिशा दे सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पूरे देश के लिए है, समाज के लिए है। और हमारी शोभा जी जो निरंतर 30 वर्षों से एक सामाजिक परिवर्तन के लिए, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, एक दिशा देने के लिए कार्य कर रही हैं और इनके कार्य को मैं देखती रहती हूँ, समझती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ और सोचती हूँ कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, जो हम कर रहे हैं वो बहुत थोड़ा सा कर रहे हैं, जो आप सब मिलके कर रहे हैं वो बहुत बड़ा कार्य महिलाओं के लिए कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ 21 प्रकार की दिव्यांगता आज कानून के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से जहाँ आया है उसमें मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअली चैलेंज के लिए कार्य कर रही हूँ, तो वो कितना थोड़ा काम कर रही हूँ। कितना ज़्यादा कार्य हर क्षेत्र में करने की आज आवश्यकता है और जितना आप जिस क्षेत्र में कार्य करते जाएंगे उतना ही लगता है कि हम कितना कम काम कर रहे हैं और कितने काम करने की आवश्यकता है। तो मुझे आज खुशी है कि मुझे आने का अवसर दिया और आप सबको मिलने का अवसर प्रदान हुआ। मुझे लगता है हम सब मिलके, मैं इंक्लूजन की बात करती हूँ क्योंकि मैं डिसेबिलिटी के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ, कि समाज में एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है, इंक्लूजन की आवश्यकता है, एक्सेसिबिलिटी की आवश्यकता है, दिव्यांगजनों के लिए एक सुगम्यता लाने की आवश्यकता है,
हम सबको उनको अवसर देने की आवश्यकता है और उनके जीवन में खुशियां लाने की आवश्यकता है, वहीं उनको आत्मनिर्भर बना के एक डिग्निटी ऑफ लाइफ देने की जरूरत है। ये मैं दिव्यांग जनों के लिए बोलती हूँ, वही चीज महिलाओं के लिए लागू होती है कि उनको समाज की मुख्य धारा में प्रधानमंत्री जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की है कि महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करेंगी और विकास उनके माध्यम से होगा तो देश का बहुत ही तीव्र गति से विकास होगा। और महिलाएं हर क्षेत्र में इस तरह का कार्य कर भी रही हैं, हर क्षेत्र में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन जो महिलाएं वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए भी काम करने की उतनी ही आवश्यकता है जो आप सब कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है हम सब मिलकर एक समाज के उन व्यक्तियों के लिए बहुत काम करने की जरूरत है जो शोषित है, पीड़ित है, असहाय है, इन लोगों के लिए हम सबको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। आपने उदाहरण दिया कि सिर्फ मार्जिनलाइज सेक्शन में ही इस तरह की वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, लेकिन हर वर्ग में है। तो महिलाएं वल्नरेबल हर वर्ग में है, उनको हमें काउंसलिंग के थ्रू, फ्रेंडशिप के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू उनको हमें सशक्त बनाना है और हम सबको महिलाओं की प्रगति के लिए कार्य करना है। ये हम सब कर ही रहे हैं किसी ना किसी रूप में। तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ आज आपके इस कार्यक्रम की जो आप शुरुआत कर रहे हैं, काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत कर रहे हैं, और इस काउंसलिंग सेंटर के माध्यम से परी जो संगठन है वो रेप पीड़ित लड़कियों को सहयोग करेगी, साथ देगी, उनको आत्मनिर्भर बनाएगी। और इस तरह के कार्यक्रमों में हम सबका जो भी सहयोग आप आशा करते हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं और इस कार्य में जितने अधिक से अधिक लोग जुड़े वो आवश्यक है। मैं एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब ऐसे पुण्य कार्य में शोभा जी के साथ और योगिता जी के साथ मिलके हम सब एक नए समाज के निर्माण की ओर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से आप भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए अपना प्रयास कर रही हैं, तो मुझे लगता है प्रयास बहुत हो रहे हैं पर अब भी बहुत कुछ करना आवश्यक है। तो हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।